तीसरा सवाल है जी आज का, कामरान जीलानी साहब हैं कराची से, वो कहते हैं पाकिस्तान में आम इलेक्शन में अल्तवा की खबरें चल रही हैं, क्या इलेक्शन मजीद अल्तवा का शिकार हो सकते हैं, और कौन लोग या अनासर हैं जो इलेक्शन को मजीद अल्तवा में डालना चाहते हैं। कामरान जीलानी साहब, मैं अभी 10 मिनट पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग से फारिग हुआ हूँ, 10 मिनट बाद वो प्रोग्राम चलने वाला है, बल्कि इससे भी शायद पहले, स्ट्रेट टॉक। मैंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस मुल्क में जम्हूरियत भी फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी, जिसको एक दफा एक दानेश्वर ने नून लीग का उसने शैम लिखा था, शैम डेमोक्रेसी, बदमाशी, झूठ। कितने साल हो गए मुझे ये कहते हुए कि जिसके पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है? वो तो खरीदी भी जा सकती है, टेम्पर भी की जा सकती है, उसमें तो उसकी राय के साथ तो कुछ भी हो सकता है, जिसके पल्ले ही कख नहीं, जिसके पेट में रोटी नहीं, सर पे छत नहीं, पांव के नीचे जमीन नहीं उसकी। हम बेसिकली, और खुद कामरान जीलानी साहब, हम मेन अर्बन सेंटर्स के रिहायशी हैं, हमें पाकिस्तान के जो जमीनी हकायक हैं भारी अक्सरियत के, उनका हमें इल्म नहीं। यहां वोट लिया नहीं जाता, छीना जाता है, छीनने का 1001 तरीका है, गुर्बत है, मजबूरी है, जहालत है, यानी जात बरादरी, यानी मेरी बिरादरी का बंदा हो वो चाहे डाकू हो तो मैंने उसको वोट देना है, लानत मेरे वजूद पे, लेकिन ये जहालत की वजह से है और ये आम प्रैक्टिस है, वो हो रही है, इसलिए इलेक्शन होता है नहीं होता है और होगा तो कैसा होगा आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, इसलिए इसको जाने दें, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप सुन लें अभी, ये आज क्या तारीख है, 27 तारीख है, 27 को 7:02-4 पे अभी लगेगा स्ट्रेट टॉक, मेरा जवाब इसी सवाल के हवाले से, वो आप सुन लें तफसीली, आपको अंदाजा हो जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह, ये तो बुलशिट, कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ के समधी से लेके उसके भाई, उसके भतीजे भतीजियां, तो पूरा खानदान, ख्वाजा आसफ, उसका क्लास वालों, बाकी बेशुमार लोग हैं, शाह वो आबद शेर अली फैमिली है, सारे रिश्तेदार हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये डाकूक्रेसी कह सकते हैं इसको, ये डेमोक्रेसी कहां से आ गई? इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, तमाम भी हमारे पता नहीं क्या मासूम है, एक खिलौना सा मिला हुआ है, शुरू हो जाते हैं इलेक्शन, भाड़ में जाए ना हो, पहले जो इतने हुए उन्होंने कौन सी तोप चला ली है, पाकिस्तान आज खड़ा कहां है इतने सारे इलेक्शन के बाद, औकात क्या है, गदागर खत्म। थैंक यू वेरी मच।